अब केंद्र सरकार पबजी समेत 275 और ऐप को बैन करने पर विचार कर रही है। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। नहीं सर, सर ये नहीं होना दूंगा मैं। होने नहीं दोगे मतलब क्या सर? ये आपत्तिजनक बात है सर ये। तो भाई कुल मिलाकर 106 ऐप्स का सफाया हो चुका है और 200 से ज़्यादा ऐप्स अभी भी गवर्नमेंट के रडार पर हैं और उसमें से एक पबजी भी है। और अगर गवर्नमेंट सारे के सारे ऐप भी बैन कर देती ना तो यार थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। पर बात आई है हमारे दिल के करीबी पबजी की, तो यार मैंने सोचा यार एक वीडियो बनाना तो उस पर बनता है। और सीरियसली यार कुछ पता नहीं चल पा रहा कि पबजी गवर्नमेंट के पॉइंट पर क्यों है। पॉसिबली डेटा लीक करने वाली बात हो सकती है या फिर पबजी एडिक्शन भी एक रीज़न हो सकता है। तो भाई मुझे एक बहुत तगड़ा सीक्रेट पता चला है कि हमारी गवर्नमेंट पबजी को बैन क्यों करना चाहती है। अफवाह कौन फैला रहा है कि मोदी जी को किसी बॉट ने मार दिया इसलिए पबजी बैन हो रही है? तो रियलिटी में पबजी बैन होने से जितना आपको फर्क नहीं पड़ता उससे कहीं ज़्यादा पबजी को खुद पड़ेगा। रीज़न कि उसका मार्केट शेयर इंडिया में काफ़ी बड़ा है, इट्स अराउंड 24%, और ये नंबर किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी ब्रांड के लिए बहुत बड़ा होता है। तो पबजी भी ट्राई कर रहा है कि वो इंडिया में बैन ना हो, और इसी से बचने के लिए उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में एक मेजर चेंज किया है। तो इन लोगों ने कहा है कि जो भी इंडियन यूजर्स के सर्वर होंगे वो इंडिया में होंगे, मतलब जो भी हमारा डेटा सेव होता है ड्यूरिंग गेम प्ले वो इंडिया में ही सेव होगा। तो भी पबजी हमारी रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं तो भाई सुन लो, गालियाँ मिलेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलना। और ऐसा कहा जा रहा था कि कंपनीज इंडियन यूजर्स के डेटा को अपनी कंट्री से बाहर स्टोर करा रही हैं और कुछ डेटा लीकेज वाली बातें भी चल रही थी। तो इसी को क्लैरिफाई करने के लिए पबजी ने ये स्टेप लिया है। तो गाइस आप भी बचा सकते हैं अपने डेटा को लीक होने से। ये लीकेज भाई साहब, ये जो 5 पॉइंट वाटरप्रूफिंग नहीं करवाते ना डॉक्टर फिक्स्ड की, इस जोड़ से लीकेज उनके घर में घुसान घुसड़ हो के घुसान घुसड़ हो जाती है। और पबजी ने क्लियर कर दिया कि वो आपका क्या क्या डेटा लेते हैं और इसे कहाँ कहाँ यूज लेते हैं। जब आप बढ़िया अपना चिकन डिनर लूट रहे होते हो आपका डेटा कहीं ना कहीं सेव हो रहा होता है, जैसे आपकी आईडी, आपकी फ़ोन की इन्फॉर्मेशन, आपका ऑडियो और टेक्स्ट जो आप गेम में यूज़ कर रहे हो, और साथ में आपकी लोकेशन और आईपी एड्रेस। और अगर आपने लॉगिन करने के लिए फेसबुक अकाउंट का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी फ्रेंड लिस्ट की इन्फॉर्मेशन भी पबजी लेता है। और पबजी ये कह रहा है कि जितना भी डेटा वो आपसे लेता है वो आपका एट द एंड यूज़र एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए ले रहा है। तो हमारी ओपिनियन देने से पहले हम गूगल भैया से पूछेंगे कि पबजी बैन हो सकता है या नहीं। क्या पबजी बैन हो सकता है? According to Prabhat Kaba, TikTok के बाद भारत सरकार अब ज्यादातर लोगों की एक अन्य पसंदीदा ऐप PUBG को भी बैन कर रही है। तो एक चीज सबको क्लियर होना जरूरी है कि पबजी पूरा चाइनीज ऐप नहीं है, एक साउथ कोरियन कंपनी है ब्लू होल करके, उसी ने इसको डेवलप किया और वही कंपनी इसको चलाती है। बट पबजी का प्रमोशन और मार्केटिंग का काम ब्लू होल ने टेंसेंट को दे रखा है जो कि एक चाइनीज ब्रांड है। तो भाई कुछ लोगों से पूछ लिया जाए कि वो पबजी के बारे में क्या सोचते हैं। विनय जी आपको क्या लगता है, पबजी बैन हो जाना चाहिए सच में? 100%। हाँ जी 100%। 100% बैन कर देना चाहिए पूरा पबजी। अगर बैन होगा तो ठीक है, लेकिन अल्कोहल भी बंद हो, जितने भी सिगरेट उगरेट है सब बंद। तो भाई चाइनीज ऐप बैन हुए क्योंकि वो मस्त आपका डेटा उड़ा रहे थे, बट पबजी फुल्ली चाइनीज ऐप नहीं है और इस पर जितने भी डेटा लीक करने के इल्ज़ाम लगाए हैं वो ये धीरे धीरे क्लैरिफाई करता जा रहा है। और बाकी सारा का सारा डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में, और सीरियसली मुझे लगता है कि यार पबजी बैन नहीं होगा। और वैसे होगा तो नहीं, पर अगर मान लेते हैं 1% पबजी बैन हो भी गया तो उसका रीज़न पबजी एडिक्शन हो सकता है। ये पबजी वाला है क्या? तो भाई कोई दिक्कत नहीं अगर पबजी बैन भी हो जाता है, जैसे अंबानी जी ने जूम की जगह जियो मीट निकाल दिया वैसे पबजी की जगह जियो जी निकाल देंगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। सो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, हैव फन।